गोदी मीडियाओं को जल्दी ही देश देश नर्मदा नदी है जैसे बड़े बड़े नदी है उसमें नहा लेंगी और आपके जैसे सच्चे पत्रकार को न्याय देंगी। जब तक आपके जैसे सच्चे पत्रकार इस देश में जिंदा है बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, जो कानून है, नया कानून पास करने की कोशिश कर रही है सरकार, उसके विरोध में पूरे देश से लोग आए हुए हैं और अभी जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी तरह से निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। क्या मांगे आइए। जब हम महाराष्ट्र सातारा जिले से आए हैं, हम उसी जिले से आए हैं जिस जिले से ये देश का इतिहास और लिखा है, मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कि शालेय शिक्षण शुरू हुआ उस जिले से हम आए हैं। जो शालेय शिक्षण बाबा साहब का शुरू होता वो सातारा जिले से शुरू होता था और उसी शालेय शिक्षण लेने के बाद बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखने का सबसे बड़ा काम किया है। और ये जो बाबा साहब है उन्होंने उसी संविधान लिखते समय विद्युत विधेयक जो संशोधन बिल है वही लिखा है और उसी से कारण हम जो ST SC OBC NTT NTVGA के लोग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो हम नौकरी करना चाहते हैं। इस अभी की जो सरकार है मोदी सरकार के कारण हम खतरे में आए हैं। ये पूरी ST ST जनता का पूरा जो नौकरियां है, जो शासकीय नौकरियां है, जो शासन के नौकर है, वो खतरे में आ चुके हैं। कैसे खतरे में आ गई, कैसे लगता है? ये कैसे खतरे में आए उसका विश्लेषण मैं आपको देता हूँ। जब बाबा साहब ने ये विद्युत संशोधन विधेयक लिखा था उसमें बाबा साहब ने ये कहा था कि ये कोई विद्युत एम्प्लॉयज जो है, मतलब ये जो विद्युत संशोधन बिल है ये कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, यही है जो ST ST माइनॉरिटीज को ऊपर लाने को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का एक साधन है और यही साधन हम लेके हम यहाँ नौकरी में आए। यदि मोदी सरकार आप सत्ता में आने के बाद जो बड़े बड़े उद्योगपति है उन उद्योगपति को साथ लेके ये जो कंपनियां है ये कंपनियां खासगीकरण के तौर पर और लीज के तौर पर देने वाले हैं, उससे ये आरक्षण खत्म होगा और आरक्षण खत्म होने के बाद हमारे जो गरीब लोग हैं, जो मतलब खुद को फकीर बोल के देश बेचने चले, उनको हम बता देते पहले आप कानून संभालना सीखिए बाद में देश का विकास का सोचिए। आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म करने का ये छुपी कोशिश है, साजिश है, जो रिजर्वेशन मिल रहा था प्राइवेट कर देंगे तो रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं आप। तो सरकार की नीयत में करनी और करनी में खोट है? बराबर, करने में और करने में बहुत सारी खोट है क्योंकि ये सरकार झूठ है। अब क्या करेंगे आगे, क्योंकि तो यहाँ आ गए 1000 लोग आ गए, 2000 लोग आ गए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, कैसे ले जाएंगे आंदोलन को, कैसे आगे बढ़ाएंगे? बराबर है, जब तक आपकी जैसी मीडिया इस देश में जिंदा है तब तक हम इस हजार को 10 करोड़ में, 10 करोड़ को 30 करोड़ में, 50 करोड़ में, 100 करोड़ में लोगों में आप जाएंगे और आपका जो ये मिनी संसद के माध्यम से मैं इस देश को बताना चाहता हूँ। जब तक आपके जैसे पत्रकार इसमें देश में जिंदा है ये 10,000 को 100 करोड़ में ये जो न्यूज है ये लेके जाएंगे और हमारी तकलीफ। आप तो सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया का क्या करेंगे? गोदी मीडिया जो है वो अलग तरह का प्रोपेगेंडा चलाती है, हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस करती है गोदी मीडिया। हम लोग तो लोगों को दिखाते हैं, जो सच्चाई है वो दिखाते हैं, लेकिन उसको कैसे रोकेंगे? गोदी मीडियाओं को जल्दी ही देश देश नर्मदा नदी है जैसे बड़े बड़े नदी है उसमें नहा लेंगी और आपके जैसे सच्चे पत्रकार को न्याय देंगी। जब तक आपके जैसे सच्चे पत्रकार इस देश में जिंदा है तब ये संविधान जिंदा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से आप कोशिश में हैं? हम गीत बोलना चाहता हूँ, बताइए। जो थोड़ा लाउड बोलिए। भाइयों, हम आए हैं इस दिल्ली में बिजली बचाएंगे, हम आए हैं इस दिल्ली में बिजली बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, इस देश की बिजली निजी होने न देंगे, इस देश की बिजली निजी होने न देंगे। आए हैं हम इस दिल्ली में बिजली बचाएंगे, संविधान बचाएंगे,
संविधान बचाएंगे, इस देश की बिजली निजी होने न देंगे, निजी होने न देंगे। सरकारी बिजली कंपनियों का निजीकरण असंवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है। हम आए हैं इस दिल्ली में बिजली बचाएंगे, हम आए हैं इस दिल्ली में बिजली बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, इस देश की बिजली निजी होने न देंगे, निजी होने न दे। जय भीम, जय भीम। इस देश में जो निजीकरण का जो पैरवी चल रही अब केंद्र सरकार की तरफ से, वो बहुत ही नाइंसाफी है। भारत के जो भी एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि इस देश में ऐसी मनुवादी व्यवस्था देश में अपना पैर फैला रही है, जो सबके लिए बहुत ही खतरनाक है। देश में लोकतंत्र की मौजूदगी खाली आप दिखाने के लिए है। जब इस देश में पीएम मोदी जब मनुवाद है कि पूंजीवाद है, देखिए बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में दो तरफ के दुश्मन हैं, एक निजीवाद भौतिकवाद और एक मनुवाद। मनुवाद तो अभी तो ये भौतिकवाद या पूंजीवाद है, मनुवाद कहां से आया? दोनों दोनों सर, दोनों है। देखिए इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण चल रहा है, जो कि हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक एस सी ओ बी सी निजीकरण का है। यस यस यस, दोनों विषय मिक्स करेंगे नहीं 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 तो मैसेज कुछ और चला जाएगा। देखिए देखिए मैं यही बात बोल रहा हूँ, निजीकरण के विरोध में है कि मनु, दोनों दोनों दोनों। देखिए मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मनुवाद जो है वो सामाजिक विषमता का विषय है, और सामाजिक विषमता कब आती है? अभी ये आर्थिक विषय निजीकरण पूंजीवाद के खिलाफ है। हम अभी अगर दो तीन लोगों को जो मोदी जी के अपने दोस्त थे, अगर वो जब सब पूंजी इकट्ठा करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसों का, जिससे हम दो दिन की रोजी रोटी कमाते हैं, अगर हमारे पास ही पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? यही जो रोजगार नहीं मिलेगा, देश की उन्नति नहीं होगी। जो बाबा साहब कहते थे कि जो निजी जे